ज्येष्ठ नागरिक महामंडल विदर्भ की ओर से दिनांक 5 सितंबर को सुरेश भट्ट सभागृह में ज्येष्ठ नागरिकों का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसी जानकारी पत्र परिषद में आयोजकों ने दी है। इस दौरान संजय भाकरे फाउंडेशन निर्मित हे गेले इस कॉमेडियन नाटक की प्रस्तुति दी जाने वाली है। यह ज्येष्ठ नागरिक महामंडल विदर्भ का है। हम सब पदाधिकारी विदर्भ के महामंडल के पदाधिकारी है। मैं प्रभुजी देशपांडे अध्यक्ष हूँ। मेरे बाजू में एडवोकेट अविनाश तेलंग है, वो हमारे महामंत्री है। बाजू में हमारे कोषाध्यक्ष है व्यवहारे जी, बाद में धरकर जी है, सेक्रेटरी अपने हनुमान नगर मंडल के सिंगोटे जी है हमारे, आप है जॉइंट सेक्रेटरी है, और चौधरी जी है हमारे सदस्य है। तो यह हमारा ज्येष्ठ नागरिक महामंडल विदर्भ का क्षेत्र के लिए चलता है। विदर्भ में हमारे कई जगह यानी चंद्रपुर, यवतमाल और अमरावती, नागपुर, सभी इन इधर के जिलों में हमारा, वर्धा, इन जिलों में हमारा कार्य चल रहा है, हमारी शाखाएं हैं। नागपुर में हम हर साल साल भर में कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। विशेष कार्यक्रम यानी हमारा होता है जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन 1 अक्टूबर, उस समय हम पुरस्कार कुछ देते हैं, कुछ अच्छे सामाजिक सेवा करने वाले, निस्वार्थ सेवा करने वाले जो लोग हैं उनका हम सत्कार करते हैं। और अभी हमारा इसी श्रृंखला में अभी हमारा एक ज्येष्ठ नागरिक महामंडल का एक स्नेह मिलन हमने आयोजित किया है। यह 5 तारीख को शिक्षक दिन है, उसी दिन हमारा यह भट्ट सभागृह में हमारा यह कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में हम जो अति ज्येष्ठ शिक्षक है जिनके आयु 90 के ऊपर है, ऐसे शिक्षकों का हम सत्कार कर रहे हैं, 3 शिक्षकों का सत्कार कर रहे हैं। और इसी सम्मेलन में मार्गदर्शन करने के लिए हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूजनीय डॉक्टर मोहन जी भागवत यह हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो हमारे ऐसे विविध उपक्रम है। हमें अभी ही कल नागपुर महानगर पालिका की ओर से हमें विरंगुला केंद्र यह हमें दिया गया है, हनुमान नगर स्थित जो कॉरपोरेशन का एक हॉल है उसमें हमारा कल ही उद्घाटन हो गया। उसमें सभी अधिकारीगण आए थे और वह कार्यक्रम का कल ही उद्घाटन हो गया। हमारे जो विविध उपक्रम है, यह हमारे उपक्रम है, देखिए कायदा सहायता ज्येष्ठों को सभी सुविधाएं कहीं से मिले, उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या का सुलझे, उनको सुलझाना इस प्रकार से, और समय प्रकार से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो समस्या उनकी है वो सुलझाने का काम हमारा मंडल करता है। साधारणता विशेषताएं बात बताता हूँ। कायदा सहायता केंद्र आर्थिक व्यवहार साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, विविध समस्याओं का निराकरण, महिला वर्ग को समस्याओं का निराकरण, स्वास्थ्य बीमा, आरोग्य विदर्भ कार्ड, समस्या निवारण, कौटुंबिक सलाह व सेवा केंद्र, आवश्यक ज्येष्ठ सुविधा पुरोठा केंद्र, सुपोदेशन केंद्र, विविध शारीरिक बौद्धिक स्पर्धा सहेलियों का आयोजन, इसी के साथ हम मृत्यु पत्र सह अपने जो भी ज्येष्ठ नागरिक है उनको मृत्यु पत्र बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आखिरी में उनको बहुत तकलीफ होती है, और वो यदि जाने के बाद उनका जो वारसदार रहते हैं उनको तकलीफ न हो, उनमें झगड़े न हो, इस दृष्टि से पहले ही हम जिनको जो कुछ भी देना है वो हमारा मृत्यु पत्र के माध्यम से वो हम सब तैयार करके देते हैं। इस प्रकार से ज्येष्ठों की सभी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और इस प्रकार की जो भी कोई समस्या होती है उन समस्याओं का निवारण करना यह हमारे मंडल का उद्देश्य है। और उसी के साथ हम साल भर में कोई ना कोई कार्यक्रम लेते हैं और उसके द्वारा यह उसी श्रृंखला में यह हमारा यह स्नेह मिलन का कार्यक्रम है। विरंगुला केंद्र बताया, मेरा नाम प्रभुजी देशपांडे, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और यूनिवर्सिटी सीनेट का भी मैनेजमेंट में मेंबर रहा हूँ, सीनेट मेंबर रहा हूँ। हमारे एडवोकेट अविनाश तेलंग